गाइस, आप सभी को स्वागत है और एक नए ब्लॉग वीडियो पे। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सुबह हो गया है, अब तो चिड़िया भी बोल दे रहा है कि सुबह हो गया है भाई, अब चलो अपने अपने काम पे लग पड़ो। तो हम भी पहले जैसा अपना रूटीन स्टार्ट कर लिए हैं अपना ब्लॉग डालना। तो आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा और सपोर्ट चाहिए, जैसे आप लोग पहले देते थे। सुबह सुबह देखो डुगू और उसके पापा बैठ के आराम से, पापा फ़ोन देख रहे हैं और डुगू उसका खेल रहा है। तो बच्चे लोगों को भाई सबसे पहले देना होता है नाश्ता, इसके बाद ये लोग फिर जाएगा स्कूल, ट्यूशन। किट्टू तब स्कूल भी जाने लगा है। सुबह उठ के तो किट्टू को दूध और हॉर्लिक्स हो गया, कंप्लेन हो गया, वो चाहिए होता है। बाद में उसको हमने चितुआ बना दिया था क्योंकि ये जल्दी बहुत जल्दी खा लेता है, बन भी जाता है, रेडी हो जाता है जल्दी जल्दी, खा के उसको टाइम से स्कूल जाना होता है। तो चलते हैं अभी अपने बागान पे और देखते हैं कि दोपहर में क्या बनता है और देख क्या क्या मिलता है बागान पे। तो इस बार भिंडी, मिर्ची, खीरा, कद्दू सभी लगा है। तो मेनली आए हैं साग काटने के लिए, ये है लाल भाजी का साग। दो ही पीस काटेंगे, ऊपर वाला हिस्सा जो नरम वाला पत्ता होता है, और इसको ना हम बंगाली वाला एक डिश बनाने वाले हैं। वो है कि घर पे ना करेला आया था, करेला उसमें से 5 पीस पक चला था और बाकी जो हरा है उसको छोड़ देंगे, जो पका है ना उसका बीज निकाल लेंगे, बीज को हम रख लेंगे सुखा के फिर दोबारा गाछ लगाने के लिए, और जो करेला है ना बीज निकालने के बाद उसको फाली फाली काट लेंगे। और इसमें देंगे आलू और जो लाल साग तोड़े हैं उसको देंगे साग, और इसके साथ बनाएंगे टेस्टी वाला सब्जी। अगले दिन इतना बारिश हुआ था, इतना बारिश हुआ था, चूल्हा का हाल देख लो क्या हुआ पड़ा है। तो पहले इसका हुलिया थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर खाना पीना बनाने के लिए लंच का। चलो कैसे फोटो खिंचा रहे हो? हाँ देखो भाई भी आया बाय बाय करने के लिए। देखे हाँ पकड़ लेते हैं। कहाँ जाओगे दादा? स्कूल गया दादा, स्कूल गया। पापा आ जाएंगे। घर के गाछ पे ना एक ही पीस तोरे ही हुआ था, तो वो काट रहे हैं दोनों पापा और बेटू मिलके, और किट्टू इतना एक्साइटेड है इस तोरे पाके कि दादी को दिखा रहा है, दादी कितना जोर से। अगले दिन ना बाजार से भी तोरे लेके आए थे किट्टू के पापा, उससे भी ज़्यादा लंबा था घर के तोरे, एक ही पीस था पर उससे भी ज़्यादा लंबा था। तो आ गए हैं लंच का तैयारी करने के लिए, और मेरा ब्रेकफास्ट है सत्तू, नमक, मिर्ची और प्याज डाल के। और अगले दिन जो बारिश हुआ था ना उसका पानी ऊपर में जम गया, यहाँ पे धूप लगता है ना तो ऊपर में पन्नी बांधा हुआ है ताकि धूप ना लगे। 9 बजे के बाद से पूरा धूप आता है शाम का 5 बजे तक, वैसे आंगन में सुबह से शाम तक धूप ही रहता है। आज तो और प्रॉब्लम है कि सुबह से लाइट नहीं है, बस 2 मिनट आ रहा है 2 घंटा कटे जा रहा है, 2 मिनट 5 मिनट आ रहा है 2 घंटा कटे जा रहा है। तो बच्चे लोगों को मम्मी लेके गई है देवर के घर पे, और रोड के साइड पे उन लोगों का दूसरा वाला फेज है ना, उधर लाइट है तो बच्चे लोग उधर ही गया है। और इतना गर्मी, इतना गर्मी, वापरी जाने के लिए जा रहा है, पका भी रहे हैं और साथ में पंखा भी चल रहा है, कौन कौन ऐसा करता है बताना। फ़ोन पे चार्ज बहुत ज़्यादा कम था, उसके बाद तो कुछ सूट नहीं कर पाए हैं, स्विच ऑफ ही हो गया था। अभी थोड़ा सा लाइट आया था जस्ट 15-20 मिनट के लिए, तो हमने चार्ज किया था फिर लाइट चला गया। तो उसके पापा ना अभी दवाई का स्प्रे कर रहे हैं, विटामिन वाला दवाई होता है जो तोरी हुआ था नहीं उसके बाद ना सब सूखे जा रहा था, उसलिए तो वही तैयारी कर रहे हैं। आसमान पर अभी हल्का हल्का बादल है, बारिश ना आए क्योंकि स्प्रे करने के बाद बारिश होता है ना तो सारा दवाई भी धुल जाता है, काम कुछ नहीं आता है, एक भी दिन रह जाएगा तो काम आता है, असर करता है। लाइट भाग गया है तो हम सो रहा है ना,
उसको पंखा कर रहे हैं। आज सुबह से शाम तक नहीं है। और कटिहार का जो नंबर है ना कस्टमर्स का, बिजली बिल का नंबर, वहाँ पे कॉल कर रहे हैं तो कट ही जा रहा है, कटे जा रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है। ज़्यादातर बिजी और रिंग लग रहा है अभी तो कट रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो शाम हो गया है, रात अभी टिकटू का हो रहा है पढ़ाई, होमवर्क कर रहा है। तो यहीं पे करते हैं अपना ब्लॉग का एंड। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना और कॉमेंट करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।